हेलो बच्चों, वादा और वादे के मुताबिक मैं मोहम्मद इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। माफ़ी चाहता हूं विलम्ब हुआ दो चार दिनों का, क्योंकि मेरा माइक ख़राब गया था और अभी मैंने रिसेंटली माइक मंगवाया है और अब मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। वादा किया था मैंने कि मैं आपको एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले तो यहां पे एक वर्ड लिखा है सरफेस, मैं इसको एक्सप्लेन किए देता हूं। नंबर वन, नाउ व्हाट इज एरिया एंड व्हाट वी हैव टू मींस विद द एरिया, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं वॉल्यूम। लाइव एग्जांपल से मैं आपको ये समझा देता हूं। ओके, सरफेस, सरफेस का मतलब होता है किसी भी चीज की सरफेस। आप देख रहे हो ना, ये बोर्ड, दिस इज द बोर्ड एंड दिस इज द सरफेस, सरफेस ऑफ द बोर्ड, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द फ्रंट सरफेस ऑफ द बोर्ड। आप मेरे साथ में देखेंगे ये एक बॉक्स, एक क्यूबॉइड मैंने लिया है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करें और काउंट करने की कोशिश करें हाउ मच सरफेस इट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सरफेस मैंने नंबरिंग कर रखी है, एक, इसके बाद में दो, इसके बाद में तीन, इसके बाद में चार, इसके बाद में पांच, इसके बाद में छह। दीज आर कॉल्ड सरफेसेस ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट। ओके, जिस प्रकार से जैसे आप देखें मेरे हाथ में एक सिलेंड्रिकल शेप में ये है, तो ये इसकी एक सरफेस है। दिस इज द सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है, ये इसकी पृष्ठ है, ये इसका पृष्ठ है। ओके, तो जैसे आप मेरे सामने देखेंगे क्यूब, तो क्यूब की ये सरफेस है 1 2 3 4 5 6। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, सरफेस मीन्स हाउ मच फेस एनी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। किसी भी त्रिभुज ज्यामिति के पास कितने पृष्ठ हैं, कितने पेजेस हैं, कितने उसके सामने कितने फ्रंट, कितने फ्रंट, कितने बैक, कितने साइड हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस। ओके, नाउ व्हाट इज एरिया, व्हाट इज एरिया, क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, ध्यान से देखने की कोशिश करें। सपोज दैट मैंने समझा, मैंने इस सरफेस को काउंट किया और इस सरफेस में यहां से लेके ये जो पार्ट है पूरे के पूरे, दिस पार्ट, दिस वन, दिस वन इज नोन एज एरिया। ओके, दिस वन इज नोन एज एरिया। बाद में हम आपको बताएंगे कि एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट आप ये जाने कि दिस इज कॉल्ड एरिया। ओके, दिस इज कॉल्ड एरिया, दिस होल लेंथ अगर हम इसको मीजर करेंगे, दिस होल इज नोन एज एरिया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे हाथ में एक कप है, तो इस कप का अगर हमसे कोई बोले कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इसका एरिया क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा सिंपल लफ्जों में, दिस दिस दिस, ये पूरा, ये पूरा 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 पूरा, ये इसी को हम बोलते हैं एरिया। एरिया किसी चीज का नाम नहीं है। सपोज दैट आपके आपके पिताश्री के पास जमीन जायदाद होगी, जमीन होगी तो आपका घर होगा। अब आप अपने पिताजी से पूछिएगा आपका आपके घर का एरिया कितना है, तो आपके पिताजी आपको बता देंगे आपके घर का एरिया कितना है। एरिया मींस कितनी जमीन जायदाद आपके पास है, कितने जमीन जायदाद में आप रह रहे हो। ठीक है, कितने जमीन में आपने घेरा डाल रखा है, राइट, आपने बसेरा बना रखा है, आप अपना घर बना के रह रहे हो, वो पूरा एरिया कहेगा। जिस जमीन पे अभी आप खड़े हो ना, जितनी जमीन आपकी है, जितने घर, जितने में आपका घर बना हुआ है, वो सब आपका एरिया। ओके, नाउ वॉल्यूम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको समझ नहीं पाते। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बच्चों ये होता है कितना हम किसी में फील कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जैसे सपोज दैट ये हमारा कप है। अब हमसे किसी ने पूछा इस कप का वॉल्यूम कितना है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें पानी लेंगे, हम इसमें पानी लेंगे और इसमें पानी डालेंगे, पानी से फुलफिल करेंगे इसको। तो अब मैं आपको बताता हूं वॉल्यूम क्या है। मैं क्या करूंगा, इसमें पानी भरूंगा। ओके,
मैंने इसमें पानी भर लिया, ठीक है, ये पूरा मैंने इसको फुल कर लिया पानी से। ध्यान रखना, हमसे किसी ने पूछा क्या है कि कप का वैल्यूम कितना है, व्हाट इज द वैल्यूम ऑफ द कप, तो वैल्यूम ऑफ द कप समझने के लिए हमने इसमें पानी भरा और पानी को हम ले गए इसके एक एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आता है, ऐसा आपके घरों में भी होगा, लीटर बोलते हैं, आधा लीटर, पौना लीटर, सवा लीटर, पौवा, छटाक, जो भी बोलते हैं, ठीक है, 500 ml का ये एक बॉक्स है, तो इसमें एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ये भरा हुआ है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड यहाँ तक भरा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कितना आ रहा है, 250 ml पानी आ रहा है। 1 लीटर अगर है तो इसमें हाफ भरा हुआ है तो ये आधा लीटर पानी आया है। तो ये जो आधा लीटर 1 लीटर है ये हम वैल्यूम बताते हैं। आप कभी भी पेट्रोल टंकी वगैरह पे गए होंगे तो पेट्रोल टैंक पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप उससे बोलते हैं 1 लीटर हमें ऑयल दे दो, 2 लीटर डीजल दे दो, 5 लीटर पेट्रोल दे दो। दिस ऑल इज व्हाट, दिस ऑल इज वैल्यूम। आप वैल्यूम की बात कर रहे होते हो वहाँ पे, वैल्यूम की बात कर रहे होते हो आप, आयतन की बात कर रहे होते हो। किसी भी लिक्विड चीज़ को आप जब भी वेट करवाते हो तो उसका केजी में भले ही वेट आ जाता है बट वो एग्जैक्टली क्या होता है, वैल्यूम में अपने आप को फिगर आउट कराती है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सरफेसेस क्या होती हैं, एरिया क्या होता है, वैल्यूम क्या होता है। वैल्यूम मतलब कितना अमाउंट हमने किसी में भरा है, कितना कैपेसिटी है। कैपेसिटी, यस, द मेन वर्ड इज कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ एनी पॉट, किसी भी बर्तन की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी मेजरमेंट वाले ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है, दिस इज नोन एज वैल्यूम। ओके, तो अब हम यूनिट की बात करेंगे, एरिया की यूनिट क्या होती है, वैल्यूम की यूनिट क्या होती है। हमेशा याद रखेंगे जब भी हम एरिया की यूनिट लगाते हैं तो उसको भी कैसे निकालना है वो हम आपको सिखा देंगे, वैल्यूम की यूनिट कैसे निकालते हैं वो हम आपको सिखा देंगे, मगर अभी बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर था, सरफेस क्या होती है, एरिया क्या होती है और वैल्यूम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियोस और इसकी ये सीरीज समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम वीडियोस बना के अपलोड कर सकें, बेस्ट कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।